मैं हूँ मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों ये बात तो सच है कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बहुत कम ऐसे थ्रिलर हैं जो जेन्युइनली आपका इंटरेस्ट गेज कर पाए। और चेहरे मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रेलर आने के बाद कुछ ऐसा कमाल कर पाया कि आपका इंटरेस्ट फटाफट से उसके अंदर चला गया। और मेरा इंटरेस्ट तो दोस्तों अप्रैल से ही है, जब से इसकी अनाउंसमेंट आई थी कि शायद ये थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से हम इसका जो थिएटिकल रूप है वो नहीं देख पाए, हम OTT पे भी नहीं देख पाए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आज ये रिलीज हो गई है OTT के ऊपर। और मैंने जब इसको देखना शुरू करा तो दोस्तों के पहले से ही धमाका हुआ, क्योंकि पहली जो सॉन्ग आता है वो अमिताभ बच्चन के आता है और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया इस गाने को जबरदस्त तरीके से तो होता है। और उसके बाद शुरू होती है इमरान हाशमी की कहानी, जो कि एक स्ट्रॉम में फंस जाता है, बाहर बहुत तेज बर्फ गिर रही है और वो एक कोठी टाइप से एक बंगलो टाइप में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती है, अनु कपूर से होती है, फिर थोड़ी देर में अमिताभ बच्चन की भी एंट्री हो जाती है। ये ऐसे लॉयर्स और जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हैं, पर इनका फेवरेट टाइम पास ये है दारू पियो और उस दारू पीते पीते कोई ना कोई एक केस उठा लो और एक बन जाता है उस केस के अगेंस्ट और एक उसको डिफेंड करने लग जाता है और फिर जजमेंट पास होती है जजेस द्वारा और कोशिश ही करी जाती है कि जितना इम्पार्शियल होके यहाँ पर जजमेंट पास हो और बहुत ही फेमस यहाँ पर वो लोग मुद्दे केसेस उठाते हैं। और इस बारी नंबर लग जाता है इमरान हाशमी का, और इमरान हाशमी का नंबर क्यों लगता है वो सेकेंड जो पार्ट है जाके इंटरवल के बाद वो क्लियर होता है। फर्स्ट पार्ट आपको रियली बांध के रखता है, क्योंकि जिस तरीके से ये सेटअप होता है, लोगों का इंट्रोडक्शन होता है और स्पेसिफिकली आपको ये लगता है कि यार ये इमरान हाशमी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और ये अमिताभ बच्चन इसको क्या क्यूज देने की कोशिश कर रहा है और अनु कपूर जो उसको डिफेंड कर रहा है इस केस के अंदर, सब कुछ आर्टिफिशियल कोर्ट बना हुआ है लेकिन एक कोर्टरूम ड्रामा की तरह हो जाता है। वो सारी चीज़ें आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ अच्छी लगेगी कि एक ही कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये सारा शूट हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सटेंसिव शूटिंग है, बट जितनी बार भी बैक स्टोरी चलेगी इमरान हाशमी की तो वहां पर स्पेसेस का होराइजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो चीज दोस्तों यहां पर आपको अच्छी लगने वाली है वो ये है कि सस्पेंस जो है वो ठीक ठाक सा है और वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ में ही आपको क्लियर हो जाता है, आपको सेकेंड हाफ तक की वेट करनी पड़ती है। जिन्होंने बहुत सारे थ्रिलर्स देखे हैं वो कहीं ना कहीं मिडवे इंटरवल आते आते थोड़ा बहुत गेस वर्क करना शुरू कर देंगे, विच इज ओके, बट इतना ज्यादा भी क्लियर नहीं होता है मामला। बट आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ जब इतना एंगेजिंग हो जाता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आपको रीजनिंग पता चल जाती है, स्टोरी का बैकग्राउंड ट्रीटमेंट ये सब पता चलना शुरू हो जाता है और बेहतरीन एक्टर हैं इसके अंदर अमिताभ बच्चन हैं, अनु कपूर हैं, इमरान हाशमी हैं, ये और भी बहुत सारे सपोर्ट कास्ट बहुत बढ़िया है। उसके बाद जब सेकेंड हाफ आता है और जहाँ जहाँ हम बैक स्टोरी में जाते हैं इमरान हाशमी की, तो वो स्टोरी थोड़ी सी लूज आउट होने लग जाती है, कुछ गाने हैं जो नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा था। और जिनको खफा है रिया से कि रिया को क्यों ले लिया, तो उनका रोल बहुत मिनिस्कुल सा है, इग्नोरेबल है, तो आप सोचे कि वो है ही नहीं शायद इस मूवी के अंदर उस तरीके से है। कंक्लूजन आते आते दोस्तों एक अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा सा मोनोलॉग टाइप का है, बहुत लंबा सा वो डायलॉग बोलते हैं और मुझे ऐसा लगा कि वो पहले 2-4 मिनट तो इट इज़ मेकिंग सेंस, बट वो थोड़ा सा फिर उसके बाद ऑफ ट्रैक हो जाता है, आपको लगता है कॉन्टेक्चुअली इतना रेलिवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रीची होता चला जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा आप ये बोलेंगे कि जब दुनिया ग्रे शेड में है ये इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल धर्मात्मा टाइप कॉन्वर्सेशन हो रही है तो वो आपको इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है आफ्टर अ वाइल, बट यू विल स्टिल अप्रिशिएट द मैन एफर्ट टू डिलीवर अ 15-मिनट डायलॉग। और आपको कार्तिक आर्यन की याद आ जाएगी, अगर वो 5 मिनट का बोल पाया तो एन ओल्ड मैन हु इज नाउ वेरी सून विल बी टचिंग 80 कैन स्पीक फॉर कंटिन्यूअसली 15 मिनट्स, सो हैट्स ऑफ, ओनली एन अमिताभ बच्चन कैन पुल दैट ऑफ। तो मुझे ओवरऑल बेसिस पे फिर भी ये ठीक ठाक मूवी लगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी फैमिली के साथ दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों उसका मूवी शूवी स्कोर रहेगा B+, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी ठीक ठाक है। एडिटिंग से थोड़ा सा खफा हूं कि भाई अगर थोड़ा सा इसको 2-2.25 घंटे की रेंज में रखने के बजाय 1.5 घंटे में ही निपटा देते तो ये ज्यादा शार्पर मूवी बनती, आपको ज्यादा मजा आता और विदाउट इंटरवल दिखो यार इसको, बीच में ब्रेक डालना ना एक अच्छी खासी थ्रिलर को वाट लगा देता है। तो मेरे ख्याल से थ्रिलर के अंदर तो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई गाने भी नहीं होने चाहिए, टक 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 के चलनी चाहिए। एनीवेज मिलते हैं एक और अपडेट एक और रिव्यू के साथ, स्टे कनेक्टेड, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।